असलामुअलैकुम, क्या क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो है कि खैरियत से होंगे। जिस तरह मैं पहले पूछता हूँ, आज भी आपके हाल चाल पूछूंगा। लेकिन बहुत दिनों बाद आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ट्रैवल व्लॉग तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ हर महीने, लेकिन एक गैप आ गया कि एजुकेशन के ऊपर वीडियो नहीं आ रही कोई सी भी ना। तो उस गैप को पूरा करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। इसमें थोड़ी बातें भी करेंगे और बताएंगे कि भाई एडमिशन किस तरह आपको सिक्योर करना है यूनिवर्सिटी में। तो आज यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल एक यूनिवर्सिटी निकाली है, ठीक है, जिसमें बहुत आसान सा पोर्टल है अप्लाई करने के लिए। मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है पोर्टल और आराम से हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो आप जहन में ये नहीं रखिएगा कि भाई अप्लाई कैसे करें, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो स्टूडेंट जो होते हैं वो क्यों भागते हैं कि वो टाइम ही लगाना चाहते हैं, और जब टाइम ही लगाते हैं तो आप वो फिर पता है कि आप कंसल्टेंट के पास चले आते हैं, तो आप उनसे करवाते हैं जिसको आपका नुकसान होता है। तो ये वीडियो देखें एंड तक, और इंस्टाग्राम ये मेरा नज़र आ रहा होगा नीचे, इंस्टाग्राम पर जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा। कभी लेट हो जाएगा, कभी जल्दी दे दूंगा, तो बुरा नहीं मानिएगा उस बात का। अब आप देखेंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इटली के अंदर। तो ये अब आप आ गए हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले से ही पोर्टल ओपन करा हुआ है, पोर्टल, ठीक है। पोर्टल का आपको नज़र आ रहा होगा, पोर्टल, ये पोर्टल है, ठीक है। ये मैं लिंक में डाल दूंगा पोर्टल का नाम, ताकि आप उसको आराम से इसको ओपन करिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन भी है, अभी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंड एडमिशन। तो देखिए, 2023 2024 के ये एडमिशन है, ठीक है। ये देख लिया है कि साल कौन सा है। अब यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर बैचलर डिग्री लिखी हुई है, और एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर सिंगल साइकिल डिग्री इन मेडिसिन, ये उनके लिए है जो मेडिसिन MBBS करने आते हैं उनके लिए। और जो फोर्थ पे जो उन्होंने हाईलाइट करा है वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर मास्टर डिग्री एंड वोकेशनल मास्टर डिग्री। अच्छा, दो तरह के मास्टर होते हैं, वोकेशनल होते हैं, मास्टर डिग्री होते हैं। तो ये इंग्लिश में है सारे, ठीक है, इटालियन में नहीं है। इसमें इटालियन में मैं नहीं बताऊँगा, जो इंग्लिश में है वो बताऊँगा कोर्सेस। तो ये बैचलर के हैं, ठीक है। आप बैचलर के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, और कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, लैंग्वेज के ऊपर इसके अंदर मैं बता दूंगा कि अच्छा, यूनिवर्सिटी पोर्टल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे आपको ये क्लिक करना है तो ये यूनिवर्सिटी पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा इनका। ये यूनिवर्सिटी इटली पोर्टल है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, मैं अभी दिखा देता। अच्छा, ये यूनिमी एप्लीकेंट पोर्टल, ये यूनिमी एप्लीकेंट पोर्टल वो है जहाँ से आपको अप्लाई करना है मास्टर के अंदर, चाहे बैचलर के अंदर और चाहे मास्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा। अब हमें क्या करना है कि रजिस्टर के ऊपर जाना है। रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं एक ईमेल डालता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक फॉर एग्जांपल एक ईमेल डाली है। यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी चूज़ कर लेते हैं, पासवर्ड मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और फर्स्ट नेम आप डाल देंगे। ये सब के बाद आईडी नंबर, आईडी नंबर में क्या डालना है आपको, पासवर्ड नंबर डालना है। मिसाल के तौर पे आपने पासवर्ड नंबर डाल दिया, ये मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया, वैसे ये पासवर्ड नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब आप रिस्टार्ट करेंगे, सॉरी क्या नहीं करा, अच्छा इसको आपको यस करना है इनके। तो ये रजिस्टर्ड हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के अंदर। अब इसमें आ गया कि वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, द गेटवे ऑफ द, ओके। तो यहाँ पे मास्टर किधर है? अच्छा, जब नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि स्टार्ट एप्लीकेशन, स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। सिंपल सा पोर्टल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये कि आप लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, टाइम ही लगाते। मैं भी अप्लाई करता था अपने लिए, तो मैं भी सोचता था यार पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, लेकिन मेहनत करी तो
तो आज यहाँ पर हैं हम, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मेहनत करें साथ साथ, ठीक है। कभी भी किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं करें कि यार वो मेरे लिए कुछ करेगा। आप यहाँ पे प्रोग्राम आपको चूज़ करने हैं, अब इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम टाइप। अब आपको बैचलर में देने हैं या मास्टर में देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं बैचलर के एडमिशन दिखाता हूँ कि कौन कौन से इनके कोर्सेज़ हैं प्रोग्राम। अब तीन प्रोग्राम आ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस और पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। ये उनके लिए जो IR करके आए हुए होते हैं, और उनको अगर बैचलर के अंदर करना है IR के ऊपर, या ये तीन कोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, मसला ये होता है कि जो जब आप बैचलर में अप्लाई करते हैं ना, ये लोग आइल्स मांगते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफेशनसी लेटर के ऊपर बैचलर में एडमिशन बहुत कम होते हैं, कि चांस है कि अगर दे दें एडमिशन, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, बहुत कम देते हैं। तो जब भी कह रहा हूँ, जो भी बैचलर करने आ रहे हैं ना, वो आइल्स और मस्त करें, ठीक है। इंटर के बाद लोग बैचलर तो करना चाहते हैं कि भाई मैं बाहर करूँ, ठीक है, क्योंकि बैचलर में एडमिशन वैसे ही कम होते हैं यहाँ पे इटली के अंदर। अगर होते भी हैं तो इंग्लिश में कम होते हैं, अगर होते हैं भी हैं तो वो इटालियन में होते हैं ज़्यादा ना। और मास्टर में इंग्लिश कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बैचलर पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करके आए बैचलर में, और जब यहाँ पर आए तो मास्टर करें। यहाँ पे आता है नया स्टूडेंट होता है इंटर पास, और उसको इतने और मेच्योर नहीं होता, 3 साल का बैचलर होता है जो एक लेंथी होता है, और पेपर एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है उसके अंदर। फिर आपको ना, जब आप एक यूनिवर्सिटी लाइफ देख कर आएंगे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आया मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ देखी हुई है बाहर की यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तीन कोर्सेज आ रहे हैं। अगर अच्छा मास्टर का चूज़ करते हैं, मास्टर में चूज़ करते हैं, तो मास्टर के अंदर जो कोर्सेज आ रहे हैं, या के नज़र आ रहे होंगे, बिजनेस कंसल्टिंग, ठीक है, कॉग्निटिव साइंस एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफिकल साइंस और फिजिक्स। ये कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में ये लोग मास्टर करवा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं डेटा साइंस चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डेटा साइंस सिलेक्ट कर लिया है, मास्टर कर लिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये मांग रहा है आपकी डिटेल, ठीक है। जब सिंपल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दें, ये मैं फॉर एग्जाम्पल डालूँ, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। जेंडर, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट नंबर डालना है, वैलिड पासपोर्ट डालना है, सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। ये जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है। अच्छा, वो वहाँ पे मैंने डेटा डाला नहीं है, लेकिन आप खुद डेटा बहुत आसान सा है जो आप अपना अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर। अब आता है सेकंड पार्ट, लैंग्वेज के ऊपर बोलते हैं कि प्लीज़ स्पेसिफाई योर लेवल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, इफ नॉट नेटिव स्पीकर कैंडिडेट मस्ट अपलोड अ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हुज लेवल ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस मैचिज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कोर्स, ठीक है। इंग्लिश लेवल, अब आपको ये बोलने के भाई आप स्पीकर हैं, नेटिव स्पीकर हैं, या C1 C2 करी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि C2 मैंने करी हुई है, तो ये बोलते हैं कि भाई इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट रिवार्ड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मतलब आइल्स, अगर आपने आइल्स करा हुआ तो यहाँ पे अपलोड करना है आपको, ठीक है। और अगर नहीं करा हुआ तो अगर यूनिमिकी, या मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना, जो कि इटली का साउथ है, अगर आपको इन यूनिवर्सिटी में आना है, तो मास्टर में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी लगाएंगे ना, यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आपका एडमिशन मिल जाएगा आपको ना यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना के अंदर। लेकिन बैचलर के अंदर अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लगाते हैं, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो कम चांसेस हैं कि आपका एडमिशन आए इसके अंदर। तो यहाँ पे जस्ट आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, यहाँ पे ये लिख दिएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, और यहाँ पे अपलोड कर दिएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है, अच्छा वो बोला अपलोड करो। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसी कुछ एक अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट ना, कोई सा भी। अच्छा, मैंने इसको सेव करा ताकि हम अगले स्टेप पर चले हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको अपलोड करनी है CV। अच्छा, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, साइड में लिखा हुआ कि नोट प्लीज़ अपलोड योर यूरोपास CV। यूरोपास CV एक यूरोपियन CV होती है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो एक यूरोपास CV बनाने के लिए आपके पास एक टेम्पलेट खुलेगा। तो इसमें लिखा क्रिएट योर CV यूरोपास, तो आपको जस्ट क्रिएट योर फ्री यूरोपास CV करनी है, ठीक है। बहुत आसान से स्टेप है ये, आप बना लिए। अगर आपको यूरोपास CV बनाने नहीं आ रही, तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी यूरोपास CV किस तरह बनती है, ठीक है, लेकिन इसी लिंक से बनेगी। तो हम दोबारा आ जाते हैं अपनी यूनिमी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की एजुकेशन डालना है, डिप्लोमा, आपने इंटर मैट्रिक जो भी करा हुआ है, ठीक है। जब
एजुकेशन आपने कितनी करी हुई है, हाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन की आ रही है, उनकी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है आपको, अगर अदर एजुकेशन है तो वो भी करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपको कोई आपने जॉब करी हुई है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो आखिर में आया कि हाउ डिड यू नो, मतलब कि हाउ डिड यू फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट द प्रोग्राम, आपने किस तरह मालूम करा, तो हम लिख देंगे भाई हमने यूनिमी वेबसाइट से मालूम करा, जब यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे यस कर देंगे, सॉरी नो नहीं करना था, यहाँ पे डिक्लेरेशन यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की ईमेल आएगी, कि मैंने ईमेल खोल दिए, ईमेल ओपन करिए, तो इसके अंदर पहले तो आएगा पोर्टल रजिस्ट्रेशन, आपने कर लिया पोर्टल की रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और आखिर में सिर्फ ईमेल आएगी आपके पास के थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर द यूनिवी मास्टर डिग्री इन मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, वी विल लेट यू नो द एप्लीकेशन रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर यूनिवर्सिटी। तो हाँ, ये था पूरा प्रोसीजर यूनिवर्सिटियों में सीनियर अप्लाई करने का। तो अब आपको क्या करना है कि सब्र करना है, होता क्या हम सब्र नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आज एडमिशन अप्लाई करो कल एडमिशन आ जाए, तो वही पूरी टीम बैठती है, ठीक है, प्रोफेसर की टीम होती है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं, वो आपकी देखते हैं कि हम इस स्टूडेंट को क्यों यहाँ पे बुलाएं अपनी यूनिवर्सिटी में, क्यों एडमिशन दें, तो आपके ग्रेड्स देखते हैं, आपके मोटिवेशन लेटर देखते हैं, रेफरेंस लेटर देखते हैं, जो प्रोफेसर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर भी उसको कहते हैं, इन सबके ऊपर ही आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन में टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा, मिसाल के तौर पर अभी ये मैंने फैब में अप्लाई करा है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, फैब में, तो ये आपका एडमिशन आएगा मई या अप्रैल तक, तो आपको 2 से 3 महीने तक आपको वेट करना है, और उस दौरान आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कुछ भी फीस नहीं थी, ठीक है, और क्योंकि फ्री एक्सेस थी, कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है 30 यूरो या 30 यूरो, 10 यूरो, ठीक है, कहीं 25 यूरो है, तो डिफरेंट फीस है, लेकिन ये थी फ्री एक्सेस, मतलब कि आपको अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, ठीक है। हाँ, एडमिशन आने के बाद इनकी फ़ीस होती है जो कि 150 यूरो होती है, जिसके ऊपर ये लोग एडमिशन कंफर्म करते हैं, लेटर दे रहे थे लेकिन कंफर्मेशन देंगे जब आपको 154 होती है, आई थिंक। ये मैप है इटली का, अब इटली का मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि इटली 2 में डिवाइड है हुआ, ये इलाका है जो है ना, ये रोम के बाद, रोमा के बाद जितना भी ये साउथ कहलाता है, रोम सेंटर में है, और फिर इटली के फ्लोरेंस चले आए, बिलोनिया, जेनवा, मिलान, ट्यूरिनो, ठीक है, वेनिस चले आए, ये लगता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब जो मेसिना यूनिवर्सिटी है ना आपकी, वो है ये रही कतानिया मेसिना, ठीक है, ये बहुत, ये साउथ का इलाका है, ये पूरा जो आपको रेड दिख रहा है ना, ये है मेसिना का मैप, और यूनिवर्सिटी भी इसी के अंदर ही, इसी के पास है, ठीक है। यहाँ पे जॉब का रेशो कम है क्योंकि साउथ है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप अगर आपकी हो जाती है मेरिट बेस्ड या नीड बेस्ड, तो आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ की स्कॉलरशिप के जो अमाउंट थी वो इंक्रीज़ कर दिए, जब मैं आया था उस वक्त ही 5000 समथिंग, और अब हो गई है 7000 समथिंग, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो चेंजेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उन्होंने उसको देखते हुए एक तो अकोमोडेशन भी दे रहे हैं आपको इसके अंदर, ठीक है, 2 साल तक, और जो अमाउंट है आपका यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है वो 7000 समथिंग है या उससे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि यूनिवर्सिटियों में सिनेमा किस तरह अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर थी, क्योंकि इतनी आसान इसका पोर्टल था, सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना लें, ताकि जो स्टूडेंट खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटियों में सिनेमा को टॉप पर रखें। अच्छा, टॉप 10 यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन एडमिशन सिक्योर करने का बहुत एक आसान तरीका है, एक आसान सा पोर्टल है, क्योंकि दूसरे आप पोर्टल देखेंगे मिलान का या सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान या पॉलिटेक्निक का मिलान हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ सपेंजा का, तो उनका पोर्टल थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मेसिना और अदर यूनिवर्सिटी। तो आगे जब जो मेरी वीडियो आने वाली है वो यूनिवर्सिटी की सीरीज़ में मैं लेके आ रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग वीडियोज़ लेके आऊँगा, ठीक है। और अब कुछ दिनों बाद मैं ट्रेवल करने वाला हूँ हर सिटी के, इटली के अंदर, और आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, तो हर यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट से मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि वहाँ पे किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस एक अच्छा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में नहीं पढ़ता, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के बारे में वहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बताएंगे, तो मैं उन वीडियो के अंदर उनका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, वहाँ के PhD प्रोफेसर जो रिसर्च के हैं उनसे भी लेंगे कि भाई किस तरह आते हैं, ठीक है, मास्टर के लिए भी बैचलर के स्टूडेंट से ही मिलेंगे, तो
तो ये सीरीज़ आने वाली है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, और बस मेरी वीडियो को देखते रहें, आखिर तक देखें। और इंस्टाग्राम मैंने नीचे दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, इसको इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दिएगा। और अगर वीडियो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें यार, थोड़ी सी एक खुशी सी हो जाती है। तो भाई रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया।